हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे। वेल दोस्तों, आज के आधुनिक समय में हम दुनिया के किसी भी हिस्से में आसानी से सफर कर सकते हैं, इसलिए जब भी हमारे मन में कहीं घूमने की बात आती है तो हमारे पास किसी आइलैंड से बेहतर विकल्प नहीं आता, क्योंकि आइलैंड बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं। वैसे भी दोस्तों, आइलैंड पर घूमना मस्ती करना हर किसी का सपना होता है। आइलैंड पर टाइम स्पेंड करना हर कोई अपना और अपनी फैमिली का मूड फ्रेश करना चाहता है, लेकिन हमारी दुनिया में सभी आइलैंड सुरक्षित नहीं है। कोई कोई आइलैंड तो बेहद खतरनाक और रहस्यों से भरे हुए हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने हॉलीडे को एंजॉय करने के लिए आइलैंड जाना पसंद करते हैं। यहाँ की खूबसूरती और शानदार वातावरण सभी के दिल को खूब भाता है। वेल दोस्तों, डू यू नो कि इस दुनिया में कुछ आइलैंड ऐसे भी हैं जो कि भैया बेहद ही खतरनाक है, इन पर जाना सुरक्षित नहीं है। इनमें से कोई आइलैंड भूतों की वजह से चर्चा में रहा है, तो कहीं पर जहरीले सांपों का आतंक है। दुनिया के कई आइलैंड ऐसे हैं जहां न जाना ही बेहतर है। खूबसूरत होने के साथ साथ ये आइलैंड बेहद ही खतरनाक हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड्स के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बिकनी एटोल मार्शल आइलैंड्स। दोस्तों, बिकनी एटोल आइलैंड यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, लेकिन ये दो कारणों से खतरनाक है, एक परमाणु विकिरण और दूसरा शार्क। ये 1946 और 1958 के बीच 20 से अधिक परमाणु हथियारों के परीक्षण की जगह रही है। हालांकि 1997 में द्वीपों को सुरक्षित घोषित किया जा चुका है। इसके मूल निवासियों ने यहाँ लौटने से इनकार कर दिया है। लोगों को यहाँ उगाई गई चीजें खाने की सलाह नहीं दी जाती है। इस आइलैंड पर बहुत समय तक परमाणु विकिरण वातावरण में फैला हुआ था। अभी भी यहाँ पर जाने से लोग कतराते हैं, क्योंकि वहाँ जाने पर पता नहीं किसको कौन सी बीमारी अपनी चपेट में ले ले। दोस्तों, अगर आपको कभी मौका मिले इस आइलैंड पर जाने का, तो आप वहाँ जाएंगे क्या? कमेंट बॉक्स में आकर बताना। ग्रोनाइट द्वीप स्कॉटलैंड। दोस्तों, स्कॉटलैंड के उत्तर में स्थित इस छोटे से द्वीप का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैविक युद्ध परीक्षणों के लिए किया था। बिल्कुल निर्जन इस इलाके का उपयोग अत्यधिक संक्रमणीय एंथ्रेक्स जीवाणु प्रसार को जांचने के लिए हुआ था, जिसमें सैकड़ों भेड़ों की मौत हो गई थी और द्वीप को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। इतना ही नहीं, इसके बाद एक और संभावित खतरा सामग्री सैकड़ों टन फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करके इस द्वीप को 1980 के दशक में साफ किया गया था। यहाँ की हवा विषैली हो चुकी है, जिसमें सांस लेना अपनी मौत को बुलाने के बराबर है। रासायनिक पदार्थों के उपयोग से यहाँ की जमीन बंजर हो चुकी है। यहाँ पर कुछ भी पैदा करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही सुरक्षित तरीके से वहाँ जाना होगा, जिससे वहाँ फैली विषैली हवा आपका कोई नुकसान न पहुँचा दे। रामरी आइलैंड में अमार। दोस्तों, ये आइलैंड वर्ल्ड वॉर टू के दौरान हुई घटना के लिए मशहूर है। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान यहाँ मौजूद हजारों जापानी सैनिकों को मगरमच्छों ने मार दिया था। ये घटना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। रामरी आइलैंड मगरमच्छों के लिए जाना जाता है। इस आइलैंड में आपको लाखों की तादाद में मगरमच्छ देखने को मिलेंगे, इसलिए इस आइलैंड को मगरमच्छों का आइलैंड भी कहा जाता है। यहाँ खारे पानी की कई झीलें मौजूद हैं। इन झीलों में लाखों की संख्या में आपको मगरमच्छ देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इस आइलैंड पर जाने से पहले हर कोई 100 बार सोचता है। यहाँ पर जाना मानो कि अपनी मौत को सामने से बुलावा देने जैसा है। आप खुद सोचिए कि आप एक ऐसे आइलैंड पर जा रहे हैं जहाँ कदम कदम पर खतरनाक मगरमच्छ मिलेंगे, जो हमेशा भूखे और अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। अगर आप वहां जाते हैं, तो हो सकता है कि उनका अगला शिकार आप हो। इल्हादा क्यूमाडा आइलैंड ब्राजील। दोस्तों, इल्हादा क्यूमाडा को स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है। ये आइलैंड ब्राजील के तट पर स्थित है। ये आइलैंड गोल्डन लांसहेड वाइपर का घर है। ये दुनिया में मौजूद सांपों की सबसे खतरनाक प्रजाति है। इसके केवल फुंकारने से ही इंसान का मांस गलने लगता है। इस आइलैंड पर जाने वाले लोग कभी वापस लौटकर नहीं आए। इस आइलैंड पर आपको लाखों की संख्या में सांप देखने को मिलेंगे। यहाँ मौजूद सांप दुनिया के सबसे जहरीले और खतरनाक सांपों में गिने जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ हर वर्ग मीटर में लगभग 5 सांप देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस आइलैंड पर इंसान ही नहीं बल्कि सांप ही सांप रहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर 4000 प्रकार के अलग अलग सांप पाए जाते हैं, जो अपने जहर से किसी की भी जान लेने में माहिर है। इस आइलैंड पर कई ऐसे सांप भी हैं जो हवा में उछलकर चिड़ियों को शिकार बना लेते हैं। ब्राजील की नौसेना ने सभी नागरिकों को द्वीप के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। अब आप खुद ही सोचिए कि ये आइलैंड कितना खतरनाक होगा। अगर आपको वहां जाने का मन हो, तो अपना दिल मजबूत करके जाइएगा।
मियाकेजिमा आइलैंड जापान। दोस्तों, ये आइलैंड दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड्स में से एक है। इस आइलैंड को माउंट ओयामा ज्वालामुखी की वजह से बेहद खतरनाक माना जाता है। ये कई बार विस्फोट हो चुका है। यहाँ की हवाओं में जहरीली गैस बसी हुई है। 2005 में हुए विस्फोट के बाद से ज्वालामुखी से लगातार जहरीली गैस निकलने लगी। इसकी वजह से यहाँ के सभी लोग मास्क लगाकर ही रहते हैं। जैसे ही सल्फर का लेवल बढ़ने लगता है तो पूरे आइलैंड में सायरन बजने लगते हैं। ये सायरन लोगों को चेतावनी देने का काम करते हैं। तो क्या अब भी आप इस आइलैंड पर जाना चाहेंगे? लुजोन आइलैंड। दोस्तों, इस आइलैंड को वॉल्केनो आइलैंड भी कहा जाता है। इस आइलैंड में ताल वॉल्केनो नाम का एक एक्टिव वॉल्केनो भी है। दुनिया भर से लोग इस आइलैंड की खूबसूरती को देखने आते हैं। हालांकि यहां जाना बेहद जोखिम भरा काम है। आप नहीं जानते कि कब यहां ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए। हाल ही में इस आइलैंड पर विस्फोट हुआ था, जिसके बाद इसके आसपास बसे इलाकों को खाली करा दिया गया था। दोस्तों, सच में ये आइलैंड बहुत ही खतरनाक है। अगर आप वहां पर गए हैं और तभी कोई ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, जय हो भाई, फिर तो आपको भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। सबा आइलैंड, नीदरलैंड। दोस्तों, नीदरलैंड में स्थित सबा आइलैंड महज 13 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये द्वीप बहुत ही सुंदर है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा समुद्री तूफान आता है। इस तूफान की वजह से आइलैंड के आसपास कई जहाज टूटकर डूब गए हैं। फिलहाल इस आइलैंड पर 2000 के करीब लोग रहते हैं। इस आइलैंड पर जाने के लिए हिम्मत और हौसला दोनों चाहिए। रीयूनियन आइलैंड, हिंद महासागर। दोस्तों, ये फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, परंतु भारी संख्या में शार्क की मौजूदगी के चलते ये बहुत ही खतरनाक है। यहाँ घूमना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच साबित हो सकता है, क्योंकि इस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी, हरे भरे जंगल, बहुत सारे झरने और हैरत में डालने वाले प्रकृति के दूसरे चमत्कार भी हैं। यहाँ के शार्क आप पर कभी भी हमला कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस आइलैंड पर जाते हैं तो शार्क से बचकर रहना होगा, क्योंकि क्या पता कब किस शार्क का आप शिकार बन जाए। डेंजर आइलैंड, मालदीव। दोस्तों, मालदीव के दक्षिण में 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डेंजर आइलैंड अपने डरावने नाम के चलते इस लिस्ट में शामिल है। ये नाम इसके शुरुआती खोजकर्ताओं ने इसे दिया है। इस द्वीप के बीच सुरक्षित लंगर की कमी होने के चलते ये द्वीप खतरनाक माना जाता था। हालांकि यहाँ के नज़ारे बेहद खूबसूरत हैं। यहाँ घूमने का रोमांच ही कुछ और है, लेकिन लंगर नहीं होने की वजह से इसे बहुत ही खतरनाक माना जाता है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, भारत। दोस्तों, अंडमान द्वीप समूह में स्थित नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी है। यहाँ घूमना और प्रकृति के नज़ारों के साथ जंगली पशु और पक्षियों को देखना बहुत ही रोमांचकारी है। परंतु यहाँ का सबसे बड़ा खतरा ये है, यहाँ की जनजातियाँ, जो इस द्वीप पर किसी भी बाहरी को आने नहीं देती और जान से मार देती हैं। यहाँ के रहने वाली जनजातियाँ किसी बाहरी लोगों को थोड़ा भी पसंद नहीं करती। शायद इन लोगों को बाहरी लोगों से डर लगता है। हालांकि कई लोग यहाँ पर अपनी रिस्क पर घूम फिर कर आते हैं। सेबल आइलैंड, अटलांटिक महासागर। दोस्तों, अटलांटिक महासागर में स्थित इस द्वीप को सेबल आइलैंड के नाम से जाना जाता है। 42 किलोमीटर लंबे और 1.5 किलोमीटर चौड़े इस आइलैंड को रेत का आइलैंड और दरिया का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ 300 से भी ज्यादा जहाज दुर्घटनाग्रस्त होकर डूब चुके हैं। इसके पीछे वजह यह है कि दूर से ये आइलैंड समुद्र के पानी की तरह दिखाई देता है। इससे अधिकतर जहाज धोखा खा जाते हैं और रफ्तार अधिक होने के कारण इससे टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। हालांकि यहां पर हेलीकॉप्टर से जाना ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। हाशिमा आइलैंड, जापान। दोस्तों, ये वीरान आइलैंड जापान में है। नागासाकी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस आइलैंड को भी भयानक माना जाता है। इसे 1890 में मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन ने अंडर वाटर कोल माइनिंग के लिए खरीदा था। इस दौरान एक्सीडेंट्स और बेकार रहन सहन के चलते यहां हजारों कैदियों की मौत हो गई। इस वजह से 1974 में इसे बंद कर दिया गया। 35 साल बाद 2009 में फिर से इसे दर्शकों के लिए खोल दिया गया। इसी वजह से इस जगह को जापान की सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। ट्रिस्टन डा कुन्हा आइलैंड, ब्रिटेन। दोस्तों, ट्रिस्टन डा कुन्हा अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है, जिसमें लगभग 300 निवासी हैं। इसके अलावा छोटे निर्जन गॉफ द्वीप, दुर्गम द्वीप, नाइटिंगेल द्वीप, मध्य द्वीप और स्टोल्टेनहॉफ द्वीप वास्तविक द्वीप समूह हैं। ट्रिस्टन डा कुन्हा दुनिया के किसी भी जीवित द्वीप से सबसे दूर एक ब्रिटिश ओवरसीज क्षेत्र है और ये सेंट हेलेना और असेंशन के द्वीप समूह का हिस्सा है। द्वीप पर आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है और मुद्रा का उपयोग ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है। ये द्वीप समूह सक्रिय ज्वालामुखी के मुहाने पर स्थित है, जो कभी भी फट सकता है। प्रोवेग्लिया आइलैंड, इटली।
दोस्तों इटली के प्रोवेग्लिया आइलैंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जाने वाला जिंदा वापस नहीं आता। बताया जाता है कि सैकड़ों साल पहले इस आइलैंड पर प्लेग के मरीजों को जिंदा जला दिया गया था। यहाँ घूमने वालों को कई डरावनी चीजें नजर आती हैं। अगर आप इस आइलैंड पर जाएंगे तो आपको कई भूतहा चीजें महसूस होंगी। यहाँ का माहौल आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आप ये खुद सोच सकते हैं जिस जगह पर सैकड़ों आदमियों को जिंदा जला दिया गया हो उस जगह पर घूमकर कैसा डर का माहौल होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने वर्ल्ड के खतरनाक आइलैंड्स के बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही अगर आपको इस वीडियो पर अपनी कोई राय देनी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। देखने के लिए शुक्रिया।